दोस्तों, कभी आप सबने सोचा है कि जीवन में शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ क्या होता है? ऐसे सरल से दिखने वाले सवाल के सोचने को मजबूर करने वाले जवाब लेकर के मैं प्रेरणा सोपती आप सबका स्वागत करती हूँ स्माइल विथ प्रेरणा सोपती में। सलाम, आदाब, नमस्ते, वड़कम, हेलो, हाय, केम छो, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज के सवाल का जवाब एक बहुत खूबसूरत कहानी में है। कहानी एक बहुत खूबसूरत मोनेस्ट्री में है। दार्जिलिंग की हसीन वादियों में ये रंग बिरंगे रंगों से सजी हुई मोनेस्ट्री की खासियत ये थी कि जब मैं यहाँ पर चहलकदमी कर रही थी, मैंने देखा एक क्लास के अंदर 10 साल का छोटा सा टीचर। ये 10 साल का मॉन्क दिखने में तो छोटा था, पर इसके चेहरे पे जो शांति, जो तल्लीनता, जो खुशी, वो एक बहुत ही समझदार इंसान की थी। और उससे भी अचंभित बात थी कि वो क्लास ले रहे थे अपने से आधी उम्र 5 साल के छोटे छोटे से मंक्स की। उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैं खड़ी होकर वेट करने लगी कि ये अपनी कक्षा ख़त्म करके बाहर कब आएंगे। जब ये बाहर आए, इनसे मैंने सवाल किया, आप यहाँ पे टीचर हैं? उन्होंने बड़ी प्यारी से मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, क्यों? मैंने कहा, आप कितने साल के हैं? उन्होंने कहा, 10 साल। और आपके जो बच्चे थे, जो आपसे पढ़ रहे थे, वो कितने साल के हैं? उन्होंने कहा, 5। एक बात बताइए, आप जब 5 साल की थी आपने क्या पढ़ा था? मैंने कहा, ABCD, 1 2 3 4, पोम्स। आप क्या पढ़ा रहे थे? बड़ी प्यारी से मुस्कुराहट के साथ में उन्होंने कहा, मैं जीवन की सबसे अहम चीज पढ़ा रहा था, सांस लेना, ब्रीदिंग, ब्रेथ, क्योंकि यही ब्रेथ जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ रहती है। अगर हमने इस पर नियंत्रण कर लिया तो हम सफल जीवन की शुरुआत बचपन से करते हैं। इतने छोटे से मंक की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, ब्रेथ, ब्रीदिंग। फिर अपनी प्यारी से मुस्कुराहट बिखेरते हुए उन्होंने कहा, जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है? मैंने कहा, सांस फूलती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है? सांस ऊपर नीचे होती है। अगर हम जीवन की शुरुआत से ही इन्हीं सांसों पे नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो क्या हम सफल जीवन नहीं जिएंगे? क्या हम ज्यादा अच्छा योग्य जीवन नहीं जी सकते? सोचने को मजबूर कर दिया मुझे उनकी इस बात ने। आप भी मजबूर हो गए ना सोचने को? यही तो बात है, ये साधारण से लगने वाली सांसें जो हर समय, हर दम, 24 घंटे हमारे साथ होती हैं, अगर हम इन्हीं को ठीक से लेना सीख लें, हम इन्हीं पे नियंत्रण रख लें, जब गुस्से में हो, जब परेशानी में हो, हम इनको काबू में कर लें, तो हम जीवन में सारी खुशियां पा सकते हैं, हर तकलीफ से निकल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रीद इन लव, ब्रीद आउट ग्रैटिट्यूड, लव इन ग्रैटिट्यूड आउट, बिकॉज वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, इश्क योरसेल्फ।